आयोजक हैं राम नाम लीजिए जन्म सफल कीजिए सेवा संस्थान। संस्थान के मुख्य दो उद्देश्य हैं, जिसमें पहला है आओ पहुंचाएं रामचरितमानस घर घर में और दूसरा है लवारिस मानव मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया करना। इसके साथ ही संस्थान के संस्थापक पंडित धीरेन्द्र वशिष्ठ जी महाराज ने संकल्प लिया है कि आदि माँ गोमती के पावन तट पर प्रभु लक्ष्मण भगवान जी द्वारा निर्माण कराए गए नगर लखनऊ में भगवान श्री लक्ष्मण जी का विशाल भव्य मंदिर का निर्माण और धर्मार्थ आए धर्मार्थ जाए सनातन वैदिक शिक्षण केंद्र व आश्रम का निर्माण हो। इसमें आप भी अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। आप अपनी सेवा संस्थान के खाते में भेज सकते हैं। राम नाम लीजिए जन्म सफल कीजिए सेवा संस्थान, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3609554579, IFSC कोड है SBIN000835। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9454701634 पर। निषाद राज को जब लगा कि भरत भैया तो मनाने के लिए आए हैं, तब निषाद राज ले गए और दर्शन कराया उस स्थान पे। देखा कि वहां पे 24 कैरेट का सोने का बिंदु पड़ा हुआ है जो माँ के साड़ी से निकल गया था। हो दर्शन किया और भरत जी ने उसको माथे लगाया। भैया कहाँ है भैया, भैया कहाँ गए, आप मुझे शीघ्रता से ले चलिए भैया। काका ने कहा है कि आपको पता है भैया कहाँ है। हाँ 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 भैया कहाँ है मुझे पता है, पर सुमंत जी ने बताया था भरत जी को। सभी के सभी लोग गंगा पार हुए और सीधा चित्रकूट के लिए प्रस्थान किए। रास्ते में तीर्थराज प्रयाग और भरद्वाज जी का आश्रम और महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम पड़ा। पूछते पाछते पहुंचे, समय कम है, हम भी थोड़ा शीघ्रता करेंगे कथा में। आप परमात्मा के पास चित्रकूट भगवान के पास सब लोग पहुंचने वाले हैं। जब लगा कि अब चित्रकूट करीब आ गया है, भगवान की पर्ण कुटकाएं अब नजदीक आ गई हैं, तो भरत भैया ने कहा भैया कहाँ है भैया, अरे सेना तो आती रहेगी सरकार, मुझे शीघ्रता से ले चलिए, मुझे शीघ्रता से ले चलिए सरकार, ए भैया ले चलिए। निषाद राज जी गए। लक्ष्मण जी उस समय भोजन बनाने के लिए, प्रसाद बनाने के लिए लकड़ी काटने गए थे वन में। पेड़ पे चढ़े लक्ष्मण जी और लकड़ी काट रहे हैं। उन्हें दिखाई पड़े, अरे ये तो अवध की पूरी सेना चली आ रही है। दौड़ते हुए आए, भैया 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 भैया, अरे भैया आप जानते नहीं हैं क्या हुआ। राम जी ने कहा लक्ष्मण क्या हुआ बताओ मेरे भाई, क्या हुआ। भैया आप नहीं जानते, अरे मैंने देखा अपनी आंखों से पूरी अयोध्या की सेना चली आ रही। भैया हो ना हो, ये भरत आपको मार करके निष्कंटक राज करना चाहता है, इसीलिए पूरी सेना लेकर के आया है। भैया जब तक लक्ष्मण जिंदा रहेगा तब तक भरत आपको छू नहीं पाएगा। राम जी ने कहा क्या बोल रहा तू, जानता है भरत कौन है। भरत मेरा भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता, अरे भैया मैंने अपनी आंखों से देखा है। राम जी समझाते हैं लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी के मन में भी भाव आया कि हो न हो कैकेयी का जन्मा हुआ पुत्र राम जी को मार सकता है। इसी व्यथा से पीड़ित है भरत जी, यही उनको दुख है। समाज तो सोचेगा सोचेगा, अपने लोग भी ये बात सोचेंगे। आज सत्य हो रहा है, लक्ष्मण जी के मन में भी भाव आया, भाव आया। राम जी ने समझाया, नहीं भाई नहीं, तू नहीं जानता। भैया आप मुझे मत रोकिएगा, मैं भरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई भाई को मारने को तैयार हो गया। क्यों? थोड़ा सा एक गलत फहमी, परमात्मा की माया है, समझना इतना आसान नहीं है। राम जी भरत जी को, राम जी लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं और लक्ष्मण जी अपना आवेश, भगवान लक्ष्मण आवेशा अवतार है, प्रभु अपने आवेश में हैं।
भाई का, एक भाई अपने भाई के लिए दूसरे भाई को मार रहा है, विचित्र लीला सरकार की हो, इतना प्रेम। और जैसे ही पता चला कि भैया वो देखिए उधर से निषाद राज थोड़ा लाए और करीब आए और करीब आए और करीब आए, तो भरत जी लक्ष्मण जी को प्रणाम करते हैं, भाई राम जी का मुख इस तरफ, भरत जी पीछे से आ रहे हैं और लक्ष्मण इधर से हैं, हे भाई लक्ष्मण मुझे क्षमा करो, भैया से कह दो भरत आया है। भरत जी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि भैया को प्रणाम कर लें, इतने आत्मग्लान में है वो, लक्ष्मण जी का सहारा ले रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया भैया भरत आपको प्रणाम कर रहा है। जैसे ही परमात्मा ने मुड़ के देखा, अरे राम जी उठे और दौड़ते हुए गए और भरत भैया को चिपका लिया। माना जी वर्णन है परमात्मा का पटका सब गिर गया, जैसे दो भाई के प्रेम में कोई व्यवधान ना आए, सब कुछ सुधर पट गया। राम जी और भरत जी गले मिल रहे हैं, भरत जी परमात्मा के चरणों में गिर पड़े, सरकार मुझे क्षमा करे, मेरा कोई गलती नहीं, हमें क्षमा करे सरकार, मैं तो महापापी हूं सरकार, मैं तो एक पापनी का पुत्र हूं, लेकिन प्रभु मुझे पता है परमात्मा महा से महापापियों को भी क्षमा कर देते हैं, ये भरत आपके चरणों में अपना मस्तक नवाता है, आप मेरी गलतियों के लिए क्षमा करें। राम जी रोने लगते हैं, क्या बात कर रहा भाई तू, अरे मेरे भाई तू तो धर्म का अवतार है रे, तू कैसी बात कर रहा है। भरत भैया के इस आर्त भाव को देख करके लक्ष्मण जी रोने लगे, उन्हें लगा कि मैं क्या करने जा रहा था, आवेश में आकर के मैंने क्या क्या बोल दिया। लक्ष्मण जी आए, भरत भैया के चरणों में गिर पड़े, पीछे शत्रुघ्न भैया भी आए, चारों भाई मिलकर रोने लगे, भैया पिताजी नहीं रहे, भैया आप मन को आ गए, पिताजी नहीं रहे, क्या राम जी गिर पड़े, अरे तू क्या कह रहा, हाँ भैया आप मन को आ गए, पिताजी नहीं रहे, हम लोग को छोड़ के चले गए, हम लोग अनाथ हो गए, भैया भैया आपके अलावा हमारा कोई सहारा नहीं, भैया भैया मैं आप सच कह रहा हूं, भैया आपको बन भेजने में मेरा कोई हाथ नहीं। भरत जी छाती चिपका लिए, बोले मेरे भाई मेरे पुत्र, तो बार बार उस बात को क्यों कह रहा है, मुझे पता है तू ऐसा नहीं कर सकता रे। चारों भाई मिल रहे हैं, माताएं आई, यहां भी परमात्मा तीन चार दिन तक भरत जी मनाते रहे। जनक जी भी यहीं पे आए, अपने पुत्री को देखा कि रे वलकल वस्त्र में सीता नंगे पैर वलकल वस्त्र में रोने लगे हो, और कहा पुत्री तेरे त्याग से आज तेरे बाप का माथा ऊंचा हो गया, तूने अपने पति का साथ देकर के अपने वृद्ध पिता का मस्तक ऊंचा कर दिया, तू देवी है तू सामान्य बच्ची नहीं है रे। जनक जी अत्यंत प्रसन्न है, देख करके रोते हैं, लेकिन उनका मन गदगद है कि मेरी पुत्री ने अपने पत्नी धर्म का निर्वहन करने के लिए राजपाट भी त्याग दिया। भगवान के चरित्रों का हमें अनुसरण करना चाहिए, समय आया, जैसे ही भरत भैया को अवसर मिला, भरत भैया ने कहा सरकार मैं तो आपके राज्याभिषेक का समस्त सामग्री लाया हूं, सरकार आप अपना राजपाट संभालिए, इस सेवक को मुक्त करिए। राम जी ने कहा भाई आप, मैं पिताजी के आदेश का पालन कर रहा हूं, आप भी उनके आदेश का पालन करो। यहाँ पे राम जी और लक्ष्मण जी भी पिताजी के महारथ का तर्पण किए हैं, चार दिन तक एक दूसरे को मनाते रहे। जनक जी भी यहाँ पे आए, उन्होंने प्रयास किया, लेकिन भरत भैया के आर्त भाव को, भरत भैया के सच्चे भाव को कोई भी नहीं टाल पाया। राम जी को अंततः मानना पड़ा, ठीक है भाई ठीक है, तू जैसा मुझे कहेगा मैं वैसा करूंगा, सुन
बता तो क्या चाहता भैया, आप राजपाट संभालिए और यदि पिताजी के आदेश का पालन ही करना है तो आपका ये भाई भरत 14 वर्ष मन को रहेगा, लेकिन भैया आपको मन में नहीं रहने देगा आपका भाई। इस भाव से मिल रहे हैं, राम जी भरत जी को राजपाट दे रहे हैं और भरत जी राम जी को राजपाट दे रहे हैं। तीनों लोक में विदित है, त्रिभुवन विदित अवध जिक्र नौवा है, तीनों लोग विदित है। उस सिंहासन को परमात्मा प्रभु राम लात मार रहे हैं फुटबॉल की तरह, और भरत जी मार रहे हैं। और आज क्या हो रहा है, आज के समाज में क्या हो रहा है, अरे लोग 5-5, 10-10 रुपए के लिए अपने भाई की हत्या कर दे रहे हैं। छोटी छोटी बात पे आज मुझे किसी ने बताया कि 2 दिन पहले शायद समाचार पत्रों में है, पुत्र और दामाद मिलकर के अपने पिता को मार दिया। प्रातःकाल चर्चा हो रही थी धन के लिए संपत्ति के लिए, ये क्या है, हे नालायकों महापापियों, तुम सनातनी हो और तुम्हारे पास तो मेरे राघव प्रभु राम के चरित्र का दर्शन करके परमात्मा आए और जी करके गए, हमें और आपको जीने की कला सिखा गए। श्री रामचरित मानस कथा जीवन को तारती है, जीवन कैसे जिया जाए इसको सिखाती है। सीखो यार, तुम्हें तो स्वाभिमान होना चाहिए, तुम्हें तो अभिमान होना चाहिए, तुम सनातनी हो, तुम अवधपुर के रहने वाले हो, तुम्हारे ऊपर तो कलयुग का प्रभाव पड़ना ही नहीं चाहिए, पड़े तो राम जी को जप लो, राम जी का ध्यान लगा लो। परमात्मा राम अवधपुर के सत्ता को लात मार रहे हैं और भरत जी अवध की सत्ता को लात मार रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है, पूरा ब्रह्मांड देख रहा है, देवता देख रहे हैं, वाह भरत वाह, वाह भरत वाह। भरत भैया को पिताजी के आदेश का पालन करने का अधिकार है, यदि भरत भैया सत्ता विराजमान हो जाते तो भरत भैया भले ही आत्मग्लान से दुखी हैं, लेकिन भरत भैया को समाज अपराधी नहीं कहता, भरत भैया कोई अपराध नहीं करते, लेकिन नहीं ये क्या है, ये भ्रातृ प्रेम है, भाई भाई का प्यार है। आज तो विषम परिस्थिति हो गई हो, विषम परिस्थिति हो गई है। परमात्मा यहाँ पे भरत भैया की बात मानते हैं और कहते हैं बताओ मेरे भाई क्या करना है, मैं तो वन में ही रहूंगा, तुम बताओ मैं तुम्हें क्या कर सकता हूं, भैया अपनी सत्ता आप संभाल लीजिए। राम जी ने कहा कि तू बहुत बहुत स्नेही है रे, बड़ा प्रेमी है, बड़ा दयाल है, धर्म का अवतार है, हे मेरे भाई बता क्या करना है। राम जी से भरत जी ने कहा सरकार ये सत्ता आप संभाल लीजिए। राम जी ने कहा भाई मेरे मैंने सत्ता संभाल लिया, चलो तुम्हारी बात मान लिया, गुरु की बात नहीं माने राम जी, सबको धर्म धर्म की राजनीति समझा करके, धर्म की नीति समझा करके चुप करा दिया, माताओं की आर्त भाव को निवेदन को स्वीकार नहीं किया, लेकिन भरत भैया के प्रेम को स्वीकार करके बोला क्या करना बताओ। भैया आप अपनी सत्ता ले ली, ठीक भाई मैंने अपनी सत्ता ले लिया, लेकिन सुन पिता के आदेश का पालन हो, पिता के इच्छा की पूर्ति हो, इसलिए मैं 14 वर्ष बन को रहता हूं और तू अब ले मेरी सत्ता। कुछ महात्मा कहते हैं कि राम जी ने थोड़ा यहाँ पे बुद्धिमत्ता दिखाई और शीघ्रता से कह दिया ला भाई ला, राज मुझे दे दे, क्योंकि पता कुछ महात्मा कहते हैं भरत भैया ने बार बार कहा कि आप राजा हैं, आप राजा हैं, और पूरी अवधपुर भरत जी को राजा मानती है, क्योंकि क्योंकि जियो तो भरत जी के लिए है, राजाज्ञा तो भरत जी के लिए है। राम जी भरत जी की बात तुरंत मान जाते हैं, क्यों ठीक है ला मेरी सत्ता मुझे दे भैया आप संभालिए अपना राजपाट। राम जी क्यों मान जाते हैं, कहीं भरत राजा के रूप में आदेश दे दिया कि भैया मेरा आदेश है आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आप मुझे राजा बना रहे हैं, आप कह रहे हैं बार बार सत्ता तुम संभालो, तुम राजा बनो, और राम जी के आदेश का पालन करके भरत ने कर दिया और राजा बन के कह दिया कि भैया मेरा आदेश है, राजा के क्षमता से मैं आपको आदेश दे रहा हूँ कि आप वापस चलिए, तो राम जी को वापस आना पड़ता तो मर्यादा टूटती, इसीलिए राम जी ने कहा ठीक है भाई तेरी जैसी इच्छा बता, मैं राजपाट स्वीकार किया, अब बता क्या करना है।
भैया बस आपके चरणों में मेरा जीवन बीत जाए ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो ठीक है सुन, राज सत्ता मेरी, अब मेरा आदेश का पालन तू कर। क्या भैया? जैसा आपका आदेश हो भैया मैं अवश्य करूंगा। राम जी ने कहा ठीक है मेरे भाई, अब 14 वर्ष वन को मैं रह करके आऊंगा, तब तक मेरी सत्ता तू संभाल, ऐसा मेरा आदेश है। तो भरत भैया ने कहा सरकार जैसा आपका आदेश। लेकिन भरत भैया रो रहे हैं, सरकार आपने तो मुझे आदेश दे दिया, मैं तो आपके आदेश का पालन करूंगा ही करूंगा। आप आदेश करें सरकार, जाओ मेरे भाई 14 वर्ष के बाद, मैं ठीक 14 वर्ष के बाद वापस आऊंगा और तब मैं तुमसे अपनी राजगद्दी ले लूंगा, तब तक तुम संभालो मेरे भाई इसको। ठीक भैया, यदि आपने मुझे गद्दी प्रदान किया तो मुझे कुछ निशानी दे दीजिए, ताकि मैं सिंहासन पर उसको रख करके और नित्य प्रतिदिन पूजा करके आपकी सेवा करता रहूं, सेवक की भांति, एक सेवक की भांति मैं राज की सेवा करूंगा। और यहाँ परमात्मा का एक नया अवतार होता है, मैंने आपको बताया था जब परमात्मा वन को जा रहे थे तो नंगे पैर गए थे, और मानस जी वर्णन है, प्रभु करे कृपा पावरी सादर करि कृपा पावरी सादर भर शीश धरि। यहाँ पे परमात्मा का एक नया अवतार होता है, चरण पाद का अवतार, माँ जानकी जी माया पाद का और भगवान राम दाहिना पाद का बन करके यहाँ पे माँ जानकी और राम का, सीताराम जी महाराज का एक नया अवतार होता है। बोले चरण पाद का भगवान की जय। भरत जी चरण पाद का अपने माथे पर रखते हैं और भैया का 7 बार प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं और चल देते हैं, चलते हैं जाते हैं। तो उनके मन में एक पश्चाताप की बात आती है कि पता नहीं परमात्मा कैसे रहेंगे, चल रहे हैं और रो रहे हैं और अपने मन में विचार कर रहे हैं। बीना जी हाँ शीघ्रता से प्लीज। एक बहुत सुंदर सा पद है, भरत भैया रो रहे हैं विचार कर रहे हैं कि हे माँ तूने क्या कर दिया, और मेरे भैया 14 वर्ष कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे। हो मैया तेने Yeah।
बार रोते हैं लोग, यात्रा कर रहे हैं अवधपुर की, राम जिधर रो रहे हैं और भरत जी उधर जा रहे हैं। भरत जी अपनी माँ को कोसते हुए जा रहे हैं, परमात्मा की ये माया है। एक भाव, राम मोरा गैले बनवा हो, नहीं भावे भवन छतिया बनौलो रानी के बजरक छतिया बनौलो रानी के बजरक छतिया बनौलो रानी के राम जी के बनवा पठौलो रानी के राम जी के बनवा पठौलो रानी के के बनवा पठौलो रानी के गए कैसे करनी है परनवा हो नहीं भावे भवनवा कैसे करनी है परनवा हो नहीं भावे भवनवा राम मोरा गइले बनवा हो नहीं भावे भवनवा तिलकी भरत जी कहेल भरत जी कहेल समझाई के बिलख भरत जी करेल समझाई के बिलख भरत जी कहेल समझाई के कहाँ रौवा चली गैला हमें बिसराई के हे प्रभु चली गैला हमें बिसराई के कहाँ रौवा चली गैला हमें बिसराई के राजमहल अच्छा नहीं लगा तो भरत जी अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर नंदीग्राम है वहां पे आए और भरत जी वहीं पे 10 फीट नीचे गड्ढा बना करके वलकल वस्त्र धारण करके और भिक्षा मांग मांग करके 14 वर्ष तक राम जी वन को और महाराज दशरथ के पुत्र भरत जी 10 फीट नीचे गड्ढा बना करके क्यों
उन्होंने विचार किया कि इस लेवल पे, इस सतह पे तो मेरे परमात्मा विराजमान होते हैं और मैं तो उनका दास हूँ, उनका सेवक हूँ, मेरा स्थान उनसे नीचा होना चाहिए। 10 फीट गड्ढा बना करके भरत भैया जमीन के अंदर बलकल वस्त्र में 14 वर्ष तक यहीं से भरत कुप तो चित्रकूट में है जहाँ पे सारा सामग्री जो ले गए थे सिंहासन के लिए, राजसत्ता प्रदान करने के लिए, राज्याभिषेक करने के लिए, अत्रिषि के आदेशानुसार भरतकूप में वहाँ प्रवाह कर दिया क्योंकि राजा राम बने नहीं उस समय। लेकिन यहाँ पे भरत कुंड है। मैं अभी पिछले अक्टूबर नवंबर में वहाँ पे गया था और ठीक 20 या 22 किलोमीटर दूर है। भरत भैया यहीं पे 14 वर्ष तक रहे हो, 14 वर्ष तक यहीं से रहे, वलकल वस्त्र जमीन से 10 फीट नीचे अपना आश्रम बना करके। अरे इन सब कथाओं को सुन करके आपको तो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन कुछ विचार करो यार, कुछ विचार करो, आपस में प्रेम से रहो। क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यार, जान ले हूं जे जान, मेरे परमात्मा को मात्र और मात्र प्रेम पसंद हो। आजकल तो क्या बात है, कैसे लोग छोटी छोटी बातों पे बांट के अलग हो जाते हैं। आज मैं बाबूजी बैठे समक्ष दोपहर में प्रसाद पाने गया, श्रीमान तिवारी जी, उमेश भैया बैठे हैं, रुपेश जी आपके बड़े सपुत्र हैं, इलाहाबाद में इस समय है, प्रयागराज में है, आप तीन भाई हैं। बाबूजी ने कहा महाराज जी थोड़ा समय मिलता तो मैं फोन करता तो इलाहाबाद से भी आ जाते, अब वो प्रयागराज है वहां से भी आ जाते। ये दोनों भाई मिलकर के भोजन बनाए और हमको पवाए, महाराज जी मैंने ये बनाया है, महाराज जी मैंने ये बनाया। भैया वो आपका रायता जो है अभी भी कभी कभी उचाट मार रहा है। हाँ विश्राम तो कर नहीं पाए तो थोड़ा तुरंत बैठना पड़ा, चकाचक था आपका रायता, आनंद आया हो, इतना स्नेह प्रेम, ऐसे परिवार मिलकर रहो। बाबूजी ने कहा मैं तो यहीं रहता हूँ, हम और आपकी माता जी और एक सेविका और मेरे बच्चे दो रहते हैं अयोध्या जी में, एक बच्चा रहता है तीर्थराज प्रयाग में। बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके तीनों पुत्र किसी न किसी तीर्थ में रहते हैं। आप सौभाग्यशाली हैं, 2 घंटे 3 घंटे में आप फोन करेंगे आ जाएंगे। यहाँ तो बड़े बड़े लोगों के पुत्र चले गए 7 समुद्र पार और मरने के बाद नहीं आते हैं। परम सौभाग्यशाली हैं आपके परिवार पे, आपके लोगों पे, आपके समाज पे, भगवान कृपा सदैव बरसे। और हमारे उमेश भैया तो साथ चलेंगे हमारे, कहाँ हो, मानसरोवर 2020 में मानसरोवर चलने को तैयार हैं। अच्छे स्नेह और प्रेम आप लोगों ने प्रदान किया, आप लोगों का स्नेह और प्रेम शर्माथे पे अच्छा लगा। ऐसे प्रेम से सबसे रहो, यही है, मत बांटो अपने भाई से, मत अलग हो अपने भाई को। क्यों? एक बार बट गए ना तो जब जब याद आए भाई के दुलार तोहरा, जब जब याद आए भाई के दुलार, जब जब याद आए भाई के दुलार तोरा, जब जब याद आए भाई के दुलार, तब तब काटे के जन्म। मत बांटो
तब काटे धाई अंगना द्वार तोरा जब जब याद आए भैया के दुलार तोरा जब जब याद आए भैया के दुलार तोरा सिया राम प्रेम पियो पूरन होत जन्म न भरत को मुनि मन यगम यमनियाम समदम इसम व्रत आचरत को दुख दाह दर्द दंभ दोषन सुजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सटन हट राम सन पल करके हम और आप इस धरा पे आते हैं। भाई बहन का संबंध, भाई भाई का संबंध, इससे बड़ा संबंध धरा पे कोई नहीं। उसी गर्भ में, उसी माँ के गर्भ में आप भी 9 महीना रहते हो, उसी माँ के गर्भ में वो भी 9 महीना रहता है, और बाहर आकर के हे नालायक, एक ही माँ के खून से बने हुए भोजन पा करके तुम गर्भ में जीवित रहते हो, और बाहर आते ही तुम एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हो। अरे कुछ तो विचार करो, विचार करो भाई, भरत जी, राम जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, इन चारों भाइयों से प्रेरणा लो। आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आप सनातनी हैं, आप राम जी के नगरी में रहते हो, आपको सदैव और सदैव नित पूजत प्रभु पामरी प्रीत न हृदय माग माग आयुष करत प्रसन्न होइए। मांग मांग के भरत जी पा रहे हैं और राज कर रहे हैं, लेकिन अपने भाई का राज का एक भी कण प्राप्त नहीं कर रहे हैं। दर्शन करिए आप लोग, कथा ये कहती है कि हमें कितना भी कष्ट क्यों ना मिल जाए, हम कितने भी दुख में क्यों ना हो जाएं, आज चर्चा हो रही थी श्रीमान तिवारी जी के आवास पे,
आधे घंटे चर्चा हुई, दो मिनट बताऊंगा। तो मैंने एक प्रश्न किया कि आपको प्रसन्नता किसमें मिलेगी, तो सबने कहा कि मेरा परिवार अच्छा हो, मेरा समाज अच्छा हो, मेरा परिवार सब चकाचक हो, यही परमानंद है। तो ये जब कैसे होगा, मैंने बताया ये आपको तभी होगा जब आप सत्संग में रहेंगे, जब आप संत चरण में रहेंगे, जब आप विश्वास करेंगे, और जब विश्वास करेंगे तो निष्ठा होगी, जब निष्ठा होगी तो श्रद्धा विश्वास रूपणे है, तब आपको परमात्मा के चरणों में स्थान प्राप्त होगा। और जैसे ही आप परमात्मा की सेवा करेंगे, परमात्मा आप पे कृपा करेंगे। मैंने बताया आज भैया के घर पे कि दुख की पूरे ब्रह्मांड में कोई दवा नहीं है, कोई माइकलाल साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ जो दुख की दवा बना दे। दुख की दवा मात्र और मात्र परमात्मा प्रभु श्री राम, परमात्मा श्री कृष्ण, आप जिसको मानते हो उन्हीं के श्री चरणों में है। आप चाहो तो भी और ना चाहो तो भी आपको अपने दुख का निवारण यहीं पे आगे करना पड़ेगा। आज मंगलवार है। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, भगवान हनुमान जी के शरण में रहिए। भगवान ही हैं इसमें हनुमान जी महाराज, जो सशरीर आज भी इस धरा पे उपलब्ध है। हाँ, समय हो गया 7:53। आज कथा 9 बजे तक चलेगी, मेरे पास 1 घंटे 7 मिनट का समय है। अयोध्या कांड किसी तरह से आज पूर्ण हुआ है। अब हमारे पास कितने कांड का है, 7 कांड का। कौन कौन से? अयोध्या कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड, इसे लंका कांड भी लिखा गया है, और उत्तर कांड। 9 दिन में 2 कांड। हमने प्रयास किया कि कथा को मैं भगाऊं नहीं, आराम से प्रेम से गाऊं, जहां तक गा मिलेगा गाएंगे। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कौन है जो परमात्मा के गुण को गुणगान कर पाएगा। अरे हम लोग तो किंचित प्रयास करते हैं गुरु कृपा से, आप लोगों के स्नेह से, जो बन पड़ता है स्मृति मंदिर से गा लेता है, सुना देता है आपको। परमात्मा का गुणगान तो जीवन पर्यंत करना है। अब आपका जैसा आदेश मैं करूं, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड अर्थात लंका कांड और उत्तर कांड, 1 घंटे में कैसे करूं? कुछ विशेष विशेष प्रसंग हैं, उसमें मैं आपको सुना देता हूं। भरत जी नंदीग्राम में, राम जी चित्रकूट में। चित्रकूट में लगा कि अब तो पूरे अयोध्या के लोग यहां आ गए हैं, और ना चाहते हुए भी जब उनकी इच्छा करेगी तो यहां आ जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, परमात्मा आगे बढ़ते हैं, आदेश देते हैं अत्र मुनि से, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मान सुइया, शुरुआत प्रारंभ में ही एक चर्चा है इंद्र के पुत्र जयंत की, जो आकर के माँ के पैर पे एक चोच मार देता है, परीक्षण करता है कि कौन है। राम जी एक बिना फर का बाण मारते हैं, उसकी एक आंख ले लेते हैं। नारद जी कहते जाओ परमात्मा के चरणों में जाओ, वहीं पर कल्याण होगा, पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगा के तू बचाएगा नहीं, ये राम जी का छोड़ा बाण है, वैष्णव बाण है, आता है तो क्षमा मांगता है। और यहाँ से परमात्मा गुरु का आदेश लेकर के माँ अनसुईया की कृपा प्राप्त करके, माँ ने अनसुईया ने यहाँ पे पत्नी धर्म का कर्तव्य बताया है, और एक ऐसा वस्त्र दिया सीता जी को जो कभी मैला नहीं होगा, कभी गंदा नहीं होगा, और कहा कि बिटिया जाओ तुम। परमात्मा आगे बढ़ते हैं, वन में आगे बढ़ते हैं, लोग देखते हैं और कहते हैं कहवा से अइला धनुर्धर बटोही, तू जइबा कहा कौन धाम, हे बबुआ आपन बता दा कहाँ से अइला धन
अरण्य कांड में परमात्मा वहां से आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में एक ऋषि हैं सुतीक्ष्ण जी, उनसे मिलते हैं। वो अपने गुरु के आदेशानुसार अपने गुरु जी को छोड़ करके बाहर रहते हैं। क्यों? उनकी एक कथा है, ऋषि अगस्त के शिष्य हैं ये। एक बार क्या हुआ कि शालिग्राम जी को लिए, बच्चे हैं सब, और लेके जामुन तोड़ दिए, फेंक के मारे जामुन तो नीचे। शालिग्राम जी पता नहीं कहाँ चले गए। वापस आए तो बोले गुरु जी तो मारेंगे सतीश्वर जी, तो क्या करें? वो जामुन लिए काला से एक और आए, बोले सरकार ये आपके शालिग्राम भगवान लीजिए, बच्चे बड़े शैतान। गुरु जी ने दो दिन सेवा किया तो गल किया समाप्त हो गया। हे सतीश्वर इधर आ, इधर आ, रे इधर आ। सरकार सरकार ये क्या? शालिग्राम जी सरकार हमने कुछ नहीं किया सरकार। सरकार पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी और घिस गए शालिग्राम हमका जानी। आप इतनी पूजा करते हैं कि हमें क्या पता सरकार, और आप ही पूजा करते हैं, आप ही जानिए। परमात्मा जब आते हैं आगे बढ़ते हैं तो सतीश्वर जी को लगता है कि परमात्मा आ रहे हैं। अरे अरे अरे, इस घटना पे रिसीवर ने कहा जाओ नालायक, तुमने मेरे भगवान को फेंक दिया, जाओ जब भगवान को लेकर के आना तब आश्रम में आना, जाओ तुमने मेरे शालिग्राम को फेंक दिया जामुन के लिए, जाओ जब परमात्मा को लेके आना तब मेरे आश्रम में आना। सतीश्वर जी आश्रम से भगा दिए गए हैं, बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं, रो रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। आज वो दिन आया, परमात्मा स्वयं चल करके आए और कहे अरे सरकार, जब देखा सरकार आप आ गए, सतीश्वर जी ने प्रभु राम का, जानकी माँ का, लक्ष्मण जी का बहुत स्वागत किया और कहे सरकार जरा चलिए मेरे गुरु जी के आश्रम में, चलिए आश्रम में, चलिए आश्रम में, चलिए। आए कहाँ पे? ऋषि अगस्त के आश्रम में, यही आश्रम है जहाँ पे शिव बाबा आए हैं कथा सुनने, कथा के प्रथम दिवस या द्वितीय दिवस मैंने कहा था आपको। एक बार त्रेता जुग माही संभ गए कुंभद्रिस पाही, इसी आश्रम में आए थे। आज परमात्मा भी आ रहे हैं, ये वही दृश्य आने वाला है। यहाँ परमात्मा को लेकर के आते हैं सतीश्वर जी। जैसे गुरु जी देखे अरे सतीश्वर बा, तो फिर आ गया, चल तुझे भगा दिया था ना मैंने, जब तक तू मेरे भगवान को नहीं लाएगा तब तक मत आना। अरे बोले सरकार नमो राघवाय, नमो राघवाय। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। सरकार आप भगवान शालिग्राम के लिए, एक पत्थर के लिए परेशान थे, हाय देखिए हाय, अरे हम साक्षात ब्रह्म को लाए हैं। क्या बात है यार, क्या बात है। शिष्य हो तो ऐसा जो गुरु के लिए ब्रह्म को ले आए। एक बात ध्यान रहे, या तो बात और या तो लात, यही दो परमात्मा से मिलाता है, जान लीजिए। यदि बात लग गई आपको तो परमात्मा के चरणों में चले जाएंगे, और यदि लात लग गया ठीक ठाक जैसे लगा था विभीषण को, तो चला आया मिलने प्रभु, हो गया शरणागत। तो यही दो चीज लगाता है, सतीश्वर जी को बात लगी, और बात लगी तो आज उन्होंने तपस्या किया, परमात्मा स्वयं आके दर्शन दिए और के सरकार आइए दर्शन करिए। अब आप सतीश्वर जी प्रभु राम को, माँ जानकी जी को लेकर के ऋषि अगस्त के आश्रम में आते हैं। ऋषि अगस्त से पूछते हैं राम जी, वहाँ पे बड़ा आदर सत्कार करते हैं ऋषि जी, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। पूछते हैं क्या करूँ भैया, मैं कहाँ जाऊँ? तो बोले भैया करो कुछ नहीं, जाओ आप आगे बढ़ो, पंचवटी है वहाँ आराम करो, बड़े रमणीय स्थल है। परमात्मा यहाँ आए, पंचवटी में आए, यहाँ विराजमान रहे, यहीं पे ही उन्होंने मारीच का कल्याण किया था। क्यों कल्याण किया था? आ गई रावण की बहन सुपर्णखा, लंबे लंबे नाखून, खूब बड़े बड़े नाखून, खूब बड़े बड़े नाखून। आजकल लड़कियां खूब बड़े बड़े नाखून लगती हैं, समझ लो जिसका नाखून बड़ा है तो कौन हुआ? सुपर्णखा हुआ, लिखा पड़ी में है।
उसका नक सूप के बराबर था, इसलिए उसका नाम सुपर्णखा था। खूब लंबा लंबा नाखून रखेंगी, उसको डेंट पेंट करेंगी, काटो नाखून को, सुपर्णखा ना बनो। आई राम जी को देख करके मोहित हो गई, कहती है तुम्हारे ऐसा सुंदर पुरुष इस धरा पे कोई नहीं है और हमारे सुंदर कोई नारी नहीं है, सरकार आओ हमारा तुम्हारा मिलन हो जाए। राम जी ने कहा, अरे भाई आप कौन हैं देवी, कहां से आई? कुछ नहीं, और मैं तुम पे मोहित हो गई हूँ। काम आतुर होकर के रावण की बहन आई और परमात्मा से काम वासना के निवेदन करने लगी। परमात्मा ने मना किया। लक्ष्मण जी देखे प्रभु का सारा पाए नाक काटे, अब नाक कान काट लिया तो गई दौड़ते हुए खरदूषण के पास। भैया भैया भैया, एक सुंदरी है जो तुम्हारे लिए बहुत शोभनीय है, बड़ी अच्छी है, मैं उसको लेने गई थी तुम्हारे लिए, देखिए। और उन्होंने मेरा नाक कान काट लिया। खरदूषण आए परमात्मा को देखे, अरे परमात्मा को देख करके खरदूषण मोहित हो गए। अरे बहन तुम कैसी बात कर रही हो, ये सुंदर सुंदर श्याम गौर वर्ण तुम्हें कैसे दुख दे सकते हैं? नहीं नहीं बहन, मोहित हो गए और कहे कि जाओ हम तुम्हें माफ करते हैं, एक काम करो ये जो तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी है ना इसको हमें दे दो, हम तुम्हें क्षमा करते हैं। राम जी ने कहा भैया जरा रुको, चलाया एक बाण, तो वह बाण चला तो जितना भी खरदूषण सेना थी सारी सेना एक दूसरे को राम के रूप में देख करके और अपने में देख खचाखच मारे कट मर गए ससुर सब। इतने राक्षस परमात्मा ने एक बाण छोड़ा, सबको सब में राम दिखाई पड़ रहे हैं, और मार मार करके परमात्मा ने यहाँ परास्त किया, खरदूषण का कल्याण किया। खरदूषण कल्याण हुआ तो भागी कहाँ? लंका। भागी रावण के पास, भैया 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 भैया, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत सुंदर कन्या देखी है, दो सुंदर सुंदर राजकुमार मन में हैं, और मैं तुम्हें तुम्हारे लिए उस कन्या को ला रही थी, उस राजकुमारी को ला रही थी, उन्होंने मेरा नाक कान काट लिया। रावण ने कहा तुमने मेरा नाम नहीं बताया। अरे कहा तुहार नाम बताएं तब तो नाक कट गवा, ना बताए होते ज्यादा अच्छा था। और जैसे बताया कि रावण की बहन तुरंत मारा खत से, उसका एक भाई है बहुत तेज तलवार चलाता है, तुरंत नाक काट लिया। अरे रावण को लगा मेरा नाम बताने के बाद भी है बहन, वहीं पे खरदूषण है, तुम उनके पास नहीं गई, उनको तो एक बार में कल्याण कर दिया। क्या खरदूषण को मार दिया उन्होंने? कौन है? चलता हूँ देखता हूँ, बहन चिंता ना करो, तुम्हारे अपमान का बदला अवश्य लूंगा। यहाँ पे रावण आता है और छल से माँ को आता है मारिच के पास, ये वही मारिच है जो परमात्मा ने बिना फर के मारा था और आकर के सौ जोजन पार गिरा था। कहाँ पे? जब विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे, यही सब उनके यज्ञ विध्वंस कर रहे थे, मारिच जिसमें था, सुबाहु और मारिच ये दो लोग थे। मारिच आया, मारिच के पास रावण आया, बोल मामा मेरी मदद करो, क्या हो गया, मदद करो, और देखो मुझे वो सुंदरी है उसको अपहरण करना है, लेके जाना है, उसने मेरी बहन का नाक कान काट लिया है, समझाया। मारिच ने कहा कि परमात्मा की माया को तुम हरने जा रहे हो, अरे छोड़ो भैया, जाओ चरण पर जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। और हमको बहुत पहले एक बाण मारे थे बिना फर के, हम आज तक भूल ना पाए। रावण ने कहा मेरी बात मानते हो कि तुम्हारा गला उतार दूं? मारिच को लगा कि जब मरना ये तो परमात्मा के हाथों से क्यों ना मरा जाए, और मारिच ने कहा क्या करना है? बोले जाओ स्वर्ण मीर बन करके जाओ। और यहाँ पे मारिच स्वर्ण मीर बन करके उस पंचकुटी में कुटिया के समक्ष इधर उधर भ्रमण कर रहा है। माँ जानकी ने देखा, समझ गई माया, और यहीं पे राम जी ने भी माया को समझा और कहा जानकी तुम पावक मह करो निवासा, जाओ तुम पावक में निवास करो, अब समय आ गया है लीला करने का और हम लोग शुरू। क्यों? अरे माया पति को माया दिखा रहा है और नालायक मारिच। परमात्मा समझ गए माँ जानकी को, तुम पावक मह करो निवासा। माँ जानकी को परमात्मा ने कहा दे दिया, जब आपको कोई इमरजेंसी पड़ती है तो आप अपने बेटी को, अपनी धर्म पत्नी को ना चाहते हुए भी आप अपने पिता के पास, अपने गुरु के पास या अपने बहुत प्रिय मित्र के पास पहुंचा देते हैं। माँ जानकी जी को अपने अग्नि देवता के पास राम जी ने कहा कि आप यहीं रहो, और माँ जानकी की प्रतिरूप वहां पे रही। और राम जी उठाए धनुष बाण चले गए मारिच के पीछे पीछे, और इधर जब एक बाण मारा राम जी ने मारिच को तो चिल्लाया राम राम लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण। माँ जानकी ने कहा लक्ष्मण जाओ देखो तुम्हारे भैया बहुत कष्ट में है। माँ ने कहा
जाओ भैया बहुत कष्ट में हैं। लक्ष्मण ने कहा, माँ आप क्या बात कर रही हैं, भैया को कोई कष्ट नहीं हो सकता, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें माँ। लेकिन माँ जानकी के बार बार निवेदन करने पर लक्ष्मण जी ने माँ के आदेश का पालन करते हुए और अपने भैया के पास जैसे गए हैं, यहाँ पे रावण आया है और छल से माँ को अपहरण करके ले गया। जब जा रहा था तो रास्ते में जटायु जी मिले। जटायु जी ने अपनी बेटी को बचाने के लिए जब सुना माँ की आर्तवाज, जटायु जी बचाने के लिए गए और जटायु जी बचाने के लिए गए तो रावण ने अपने तलवार से चंद्रहास उनके पर काट दिए, अपनी प्राण की उन्होंने बलिदान कुर्बानी दे दी और रावण माँ का अपहरण करके ले गया। राम जी इधर आए और आए तो राम जी देखा तो कुटिया में जानकी जी नहीं है। लक्ष्मण, लक्ष्मण मेरे भाई जानकी कहाँ है, जानकी कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ जाने की हुई है ऐसी बिकट पतरिया। लक्ष्मण कहाँ जाने की हुई है ऐसी बिकट पतरिया। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, खग मृग मधुकर श्रेणी, खग मृग मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग जानकी को खोज रहे हैं। आगे बढ़े तो जटायु जी मिले। जटायु जी का परमात्मा ने अपने पिता तुल्य मान करके अपने कर में पूछा लक्ष्मण से, भैया ये बताओ, पहले तो कहा जटायु जी को, आपको किसने मारा? अरे राम आप आ गए, आपकी धर्म पत्नी आपकी भार्या को सीता जी को रावण अपहरण कर लिया। मैंने बचाने का बहुत प्रयास किया अपने पुत्री को लेकिन बचा नहीं पाया, हे राम आप मुझे क्षमा करें, ये सेवक काम नहीं कर पाया आपका। जटायु जी ने जब इस आर्त भाव से कहा, बेटी कह दिया सीता जी को, तो राम जी ने जटायु जी को अपने पिता के समान आदर दिया, सत्कार दिया और कहा, कहिए तो पिताजी मैं आपको पुनः जीवित कर दूं। जटायु जी ने कहा, नहीं सरकार, आप मेरे समक्ष हैं और मैं कैसे पुनः जन्म ले लूंगा, अपना जीवन क्या करूंगा मैं, अब मुझे नहीं, मेरा जीवन धन्य हो गया कि मैंने आपके काम में आपके लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। जटायु जी ने निवेदन किया, सरकार अब जीवन नहीं, आपका दर्शन हो गया। यहाँ पे जटायु जी का अपने पिता के समान अंत्येष्ट क्रिया राम जी ने किया। पूछा लक्ष्मण से, भैया ये बताओ इस धरा पे ऐसी कोई जगह खाली है जहाँ पे अंत्येष्ट क्रिया ना हुआ हो? तो लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं भैया ऐसी कोई धरा नहीं है। बोले है, बोले निज कर। परमात्मा ने अपने बाएं हाथ में जटायु जी का शरीर रखा और दाहिने हाथ से वहां पे उन्होंने अग्निदाह किया, अंत्येष्ट क्रिया किया और जटायु जी का कल्याण किया। जटायु जी रोने लगे हो जब सुने परमात्मा के इस भाव को, तो जीवित थे। जटायु जी ने कहा, जब मेरे माता पिता ने नाम रखा जटायु तो मैं बड़ा आश्चर्य में था कि मेरा नाम जटायु, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। जब जटायु जी के पंख कटे हुए थे, खून से लथपथ थे, मिट्टी लगी हुई थी उनके शरीर में, तो प्रभु राम के एक बाएं हाथ में जटायु जी और दाहिने हाथ में वो अग्नि का ज्वाला का जहाँ दंड होता है वो। राम जी ने अपने जटाओं खोला और अपने जटाओं से जटायु जी के शरीर पर लगे हुए मिट्टी को साफ किया। तब जटायु जी ने कहा, ओहो अब समझ में आया, जिसके जटा में हमारी आयु छुपी है इसीलिए हमारा नाम जटायु है। जिसके जटाओं में आयु छुपी हो उसका नाम जटायु है। परमात्मा के जटा में हमारी आयु छुपी हुई थी इसीलिए मेरा नाम जटायु पड़ा। उन्होंने अपने माता पिता को धन्यवाद दिया और परमात्मा प्रभु राम ने यहाँ पे
जटायु जी का कल्याण किया। आगे बढ़े तो और कई ऋषि महात्माओं संतों का दर्शन लाभ होता रहा, कई और दो चार दुष्टों का कल्याण किया परमात्मा ने। लेकिन अरण्यकांड के अंतिम में एक माँ है सबरी, जो भिलनी है और बहुत ही दलित से दलित परिवार में जन्मी है, जिसके घर में मांस का कारोबार होता है। उसका विवाह का समय आया तो कई जानवर पाले गए और रखा गया। उसने कहा कि माँ सबरी ने कहा अपनी माँ से, माँ ये जानवर क्यों? तो कहा बेटी तेरा मंगल विवाह है तो इसको इसकी क्या जरूरत है, तेरे विवाह में इसके मांस काट करके मांस बनाया जाएगा और इसी को खिलाया जाएगा तेरे दूल्हा सरकार को, तेरे आने वाले बरातियों को। माँ भिलनी ने अपनी माँ की इस बात को सुनकर के अपना घर त्याग दिया और आई सीधा एक आश्रम में आई। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं राम नाम लीजिए जन्म सफल कीजिए सेवा संस्थान। संस्थान के मुख्य दो उद्देश्य हैं, जिसमें पहला है आओ पहुंचाए रामचरितमानस घर घर में और दूसरा है लवारिस मानव मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया करना। इसके साथ ही संस्थान के संस्थापक पंडित धीरेन्द्र वशिष्ठ जी महाराज ने संकल्प लिया है कि आदि माँ गोमती के पावन तट पर प्रभु लक्ष्मण भगवान जी द्वारा निर्माण कराए गए नगर लखनऊ में भगवान श्री लक्ष्मण जी का विशाल भव्य मंदिर का निर्माण और धर्मार्थ आए धर्मार्थ जाए सनातन वैदिक शिक्षण केंद्र व आश्रम का निर्माण हो। इसमें आप भी अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। आप अपनी सेवा संस्थान के खाते में भेज सकते हैं। राम नाम लीजिए जन्म सफल कीजिए सेवा संस्थान, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3609554539, IFSC कोड है SBIN000835। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9454701634 पर।